न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के ओलीडी थाना अंतर्गत संजय पथ में अपराधी गुड्डू पांडे पर बीती रात अन्य अपराधियों ने फायरिंग कर दी थी। इस घटना में दोनों पक्ष के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने दोनों पक्ष के कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक पक्ष से गुड्डू पांडे, रोशन कुमार और राकेश की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरे पक्ष से सिंटू गुट के धनंजय सिंह, दीपू गराई की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कुल 3 हथियार और 7 जिंदा गोली बरामद किया है। वहीं मौके से कुल 12 खोखे बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए सिटी SP मुकेश लुनायत ने बताया कि गुरुवार को सिंटू सिंह, डेविड, दीपू गोराई समेत अन्य गुड्डू पांडे के घर पर पहुंचे और गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए घर के अंदर घुसे। यहां दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक गोली गुड्डू पांडे के जांघ को छूकर निकल गई, जबकि दूसरे पक्ष के धनंजय के हाथ में गोली लगी। SP ने बताया कि दोनों पक्ष पूर्व में अमरनाथ गिरोह के लिए काम करते थे, सभी जमीन का कारोबार करते थे। एक माह पूर्व दोनों के बीच जमीन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसी को लेकर सीटू ने अपने साथियों के साथ बताया। ये घटना पर शाम करीब 8 बजे ओलीडी थाना अंतर्गत संजय पथ न्यू सुभाष कॉलोनी में गुड्डू पांडे नामक शख्स के घर पर 6 अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी MGM, ओलीडी OP प्रभारी और ओलीडी और MGM थाना से पदाधिकारी और बल सम्मिलित। घटित छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय आसूचना तकनीकी साक्ष्य और CCTV फुटे हैं, तो इस कांड में जब्त भी हुआ है। कई अवलोकन के आधार पर कांड का 24 घंटा के अंदर उद्भेदन किया गया और इसी क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि जो गोली चलाने की घटना थी दोनों पक्षों के द्वारा की गई थी और इस घटना में दोनों पक्ष से एक एक लोग घायल हुआ। दोनों के आवेदन पे ओलीडी OP कांड संख्या 94 और 95 दर्ज करते हुए इस घटना में शामिल कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कांड में प्रयुक्त 3 लोडेड पिस्टल को बरामद किया गया है, जिसमें 7 जिंदा गोली था और घटनास्थल से करीब 15-20 खोखा बरामद किया गया। विवाद का कारण क्या था सर? पूछताछ के क्रम में यह भी बात सामने आया कि जो दोनों समूह हैं जिनके बीच गोली चलाने की घटना हुई है, पूर्व में अमरनाथ गिरोह से इनका संबंध रहा है और दोनों ही मिलकर जमीन का कारोबार करते थे। कुछ महीनों पहले इन दोनों में आपस में मनमुटाव हुआ है और उसी मनमुटाव के चलते जमीन के कारोबार को के वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। दोनों तरफ से गिरफ्तारी हुई है सर? हाँ जी, दोनों तरफ से इसमें कुल 6 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। एक पक्ष की तरफ से 2 गिरफ्तारियाँ हैं और 2 वेपन बरामद हैं, दूसरे पक्ष की तरफ से 4 गिरफ्तारियाँ हैं और 1 साइकिल का नाम आ रहा था।